What's up guys, this is Ryan from Aquamaniacs. I know you guys are seeing my face for the first time in a video. No problem, I'll show you some fishes ahead in the video, so be patient. Also, let me inform you guys that this is a series that I'm doing in the Aquamaniacs channel, that I'm going to shops in Chhattisgarh, all over Chhattisgarh, Bhilai and Raipur area. Very soon I'll for that, and tell me how you like the video guys. Also, I will very soon let you know that if the shopkeepers can ship to you or if they're selling locally just in the state. So if people are from Raipur and Chhattisgarh, can go and visit them and see their collection. So basically, continue watching the video ahead guys. Thanks for listening. What's up guys, this is Ryan from Aquamaniacs. Today we have come to a shop in situated in Bhilai sector 1 in Chhattisgarh. So this is a very old shop and I came here to get some plants to set up my friend's aquarium, planted aquarium. So I said just let me show you guys what he has in stock, and it's a really good shop, and most of the time you will get each and every variety and species of fish over here anytime available, and he's a very knowledgeable person. Stay tuned and let's get started. So as you guys can see, I'm going to show you some variations, varieties of fish. We will be covering the entire shop in maybe one or two videos, because this is a new series started for the Aquamaniacs, and there are many shops going to be covered in entire Chhattisgarh. The old and experienced shopkeepers of Chhattisgarh. I will introduce you to the owner soon. So here are some varieties. Okay. So here we go. Hello, Mr. Rajit. How are you? This is Rajit here. And he's the owner of Star Aquarium, which is in Bhilai, Sector 1, near Pun Stadium, Chhattisgarh. So, Rajit here, बहुत ही नॉलेजबल इंसान हो प्लांटेड टैंक्स में. प्लांटेड टैंक्स दिखाइए बढ़िया था. ये अभी इसको आपने ट्रेनिंग किया? अभी मैं ट्रेनिंग किया हूँ लास्ट वीक इसको. तो कम से कम पहले 15 से 20 दिन इसको लगेगा ठीक होने में. 15 से 20 15 से 20 दिन करीब करीब इसको लगेगा. 15 से 20 दिन बाद हम फिर आएंगे वैसे भी एक और वीडियो निकालने के लिए. यहाँ प्लांटेड टैंक्स, ये और प्लांटेड टैंक्स है. अरे वो मोल्डेड बोल्ड के कारण में थोड़ा वो है. ये देखिए कार्पेटिंग हो गया, देख सकते हो कार्पेट. माजिद भैया जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कौन सा प्लांट है जो आपने कार्पेटिंग किया है इसको? इसको होंडा पेपरटेटा बोलते हैं जी. ये जो प्लांट्स है ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, कम CO2 में, कम फर्टिलाइजर में भी आप इसको कार्पेटिंग कर सकते हैं. तो ये कितने दिन में के आसपास में इतना फैल गया होगा? मान के चलिए आप 1 से 1.5 महीना 2 महीने में आपका कार्पेटिंग तैयार हो सकता है जी. थोड़ा ट्रिमिंग इसमें ज़्यादा करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं. ओके, तो ये एक हाई लाइट की लो लाइट? ये मॉडरेट लाइट है, मीडियम लाइट वाला प्लांट है. कम CO2 और कम फर्टिलाइजर में भी आप इससे काम चला सकते हैं. बस इसका एक ही फंडा है कि थोड़ा ट्रिमिंग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा जी. ट्रिमिंग करते रहेंगे तो ये जो है मैटिंग आपका नीचे बैठा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा इसका जो वो क्या बोलेंगे जो लीव्स है वो ऊपर की तरफ आ जाती है. उसको आप बड़ा प्रॉपर ट्रिमिंग करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा. डैंगस भी है, बहुत ही अच्छा डैंक है, मोल्डेड कम्प्लीटली. तो इसमें आप CO2 डोसिंग कुछ नहीं कर रहे हो, बस वाटर स्किमिंग? अच्छा, ओके. श्रिम्स 1 बबल्स पर सेकंड चल रहा है. ओके, 1 बबल्स पर सेकंड. और नीचे ये सम्प है आपका? ओके. यहाँ भी एक फ्लावर ऑन है कैंपर. माजिद भी, ये कौन सा कैंपर है? ये रेड कैंपर बोलते हैं इसको.
इसका एज क्या हो गया अभी? ये करीब करीब 16-17 महीने का हो गया। 16-17 महीने का, 16 to 17 months। देखो आप साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस, हाथ से कितना बड़ा है साइज़ में और काफ़ी एक्टिव है। यहाँ भी कुछ ग्लास है, ये प्लांट मुझी प्लांड्रा है और पीछे जो लगा है नैरो लीफ मॉस, नैरो लीफ फर्न। ये कैसा बंच, कॉस्टिंग क्या है इसकी? एक बंच 350। ओके, ये भी एक अच्छा टाइम है। हाँ तो भाजी भी आपके पास फ्लावर हॉर्न्स भी है काफ़ी सारे, तो इनके प्राइस बताना चाहेंगे आप? मतलब एक काम्फा है सर ये वाला। ओके, दिस इज काम्फा, नियॉन काम्फा, नियॉन काम्फा 5000 rupees। दिस इज पर्ल काम्फा 5500 rupees। ओके, एंड दिस वन एसआरडी रेड, दिस सुपर रेड ड्रैगन, सुपर रेड ड्रैगन एसआरडी। इसका क्या प्राइस होगा? 3500 rupees इच। स्मॉल वाला जो है, छोटा वाला जो है 2500 rupees। थोड़ा ठंडा है मौसम, इसकी वजह से थोड़ा कलर डाउन है। और आपने बताया भी था पिछले बार कि आप बिजी थे। तो आपका अपकमिंग स्टॉक कब आने वाला है? और बहुत जल्द मैं दिल्ली भी आ रहा हूँ। अगर दिल्ली में कुछ फेमस शॉप्स है जो आप चाहते हो कि मैं आके चेकआउट करूँ और उनका भी वीडियो बनाऊँ, नॉलेजेबल पुराने शॉपकीपर्स दिल्ली के, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना और मैं कोशिश करूँगा कि उनको विज़िट कर सकूँ। बाकी माजिद दिया जो है बहुत ही नॉलेजबल पर्सन है और ये आपको बहुत सारे नॉलेज देने वाले हैं। आगे फ्यूचर वीडियोस में 3-4 सीरीज हम बनाएंगे उनके शॉप का। अभी पूरा शॉप आपने देखा भी नहीं है कम्प्लीटली, उनका स्टॉक अभी आने वाला है। और प्लांटेड के बारे में आपको समझाएंगे सिंपल टेक्निक्स, सस्ते से महंगे प्लांटेड टैंक्स कैसे बनाया जाए और इजी टेक्निक्स। तो माजिद भी आपने जैसे एडीए में आपने कॉम्पिटिशन में भी गया है? एडीए कॉम्पिटिशन नहीं किया पर वर्कशॉप अटेंड किया है मैंने। वर्कशॉप अटेंड किया मैंने, 2-3 वर्कशॉप। और प्लांटेड टैंक कितने सालों से, मतलब आपको इस प्लांटेड टैंक में करीब करीब मेरे को हो गया 4-5 साल करीब करीब हो गया। और आपकी शॉप को कितने साल हो गए, मतलब शॉप करीब करीब हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से शॉप चला रहे हैं तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है मेरे हिसाब से। और इसीलिए जो फर्स्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है इनके शॉप से स्टार्ट किया है, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्लांटेड टैंक्स में जैसे एल्गी फॉर्म होता है तो उनको कैसे हटाया जाए, कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट जो हॉबीज़ को रहता है और जो मिस्टेक्स करते हैं, तो उसको अगले पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके माजिद भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Bye-bye, guys. Bye-bye. So I guess you have made it towards the end of the video. Thanks for staying tuned towards the very end. And I hope you found something interesting in the video. And hopefully I'm going to make much more videos like this in the near future. And I have not mentioned some things in the video. So I just wanted you guys to know that I am going to make many more videos just like this. But as the Aquamaniacs policy is,
you know, every shopkeeper, every experienced shopkeeper, I'm going to go to them, not only ask them the prices of the fish, you know, in the different states of India, but also I'm going to gain, and you are going to gain knowledge from these guys, because they have shops running for around like 17, 18, 20, 25 years. So, and I know such people like this, and I also want you guys, and I want to share their information with you guys, my information with you guys, and even I also can learn something from them. You guys can learn something from them. So this is going to be a really informative series. First, I am starting with Chhattisgarh, where I am currently living right now. So this was a video of Majid Bhia in Sector 1 Pun Stadium, Chhattisgarh, and the next video most probably will be of another very old aquarium shop started long time ago. So I won't say the name now, maybe I'll write it down in the description. And also, if you guys want to know that if these shopkeepers from Chhattisgarh or any part of India can ship to you, if you like a certain fish shown to you in the video, then I will also mention the minimum amount you need to buy and the minimum quantity they can ship. So in the next video, everything is going to be mentioned, the shipping charges, the minimum amount, like 10,000, 15,000, whatever you need, and if shipping is possible all over India or not. So thanks for watching, guys. Thanks for staying till the very end. Once again, thanks. Stay tuned until the next video. Peace.